दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक बिल्कुल ही लेटेस्ट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं सुनो चंदा के एपिसोड 5 के पार्ट 3 के ऊपर। ठीक है, मुझे याद आ रहा है जब हमने सुनो चंदा का एपिसोड 5 किया था, हमने देखा था कि जो इकरा अजीज हैं, जो उनका कैरेक्टर है, वो कहीं खो गया। ठीक है, फिर उन्हें सभी लोग ढूंढ रहे थे और अरसल की वजह से, मैं कहूँगा अरसल की वजह से, क्योंकि उसने सड़क पे उसे मोटरसाइकिल से नीचे उतार दिया था और कहा था खुद ब खुद घर आ जाओ। ठीक है, जिया खो गई थी। अब मुझे नाम याद है, मैं ना नाम भूल जाता हूँ, इतनी सारी सीरीज़ कवर कर रहे हैं ना, तो इतने सारे कैरेक्टर्स, इतने सारे नाम, ओरिजिनल नाम एक्टर का अलग है और कैरेक्टर नेम अलग है, तो वो सब ना मिक्स हो जाता है दिमाग में कहीं बार। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखो और रेगुलरली वीडियोज आती रहती है, इन सभी वीडियोज को देखने के लिए आप सभी लोगों का सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिलहाल सभी बातों को हम साइड पे रखते हैं, एपिसोड 5 आज हम खत्म कर लेंगे, इसे देखते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। थैंक गॉड उमा से मुलाकात नहीं हुई, सारा भांडा फोड़ देना था उसने मेरा, और मेरी अलग शाम बतानी थी कि मैं इसको रास्ते में क्यों छोड़ाया। एक बार ये छिपकली घर आ जाए खैरियत से, बाकी मामला तो मैं संभाल ही लूंगा। लेकिन गई कहाँ यार, उन लोगों ने सिर्फ पर्स चुराया था और ज्यादा कुछ नहीं, खुद ही नीचे गिर गई थी। सॉरी आगा जी। किस बात है? वो बीजान आपके साथ कुछ तलख हो गई ना? अरे नहीं, वो जिया की वजह से परेशान है ना, और परेशानी में इंसान के मुंह से उल्टे सीधे बातें निकल जाती हैं। मेरा तो ख्याल था कि चले चलते हैं थाने। नहीं, मेरे ख्याल है 2-4 घंटे और इंतजार कर लेते हैं, जिया वापस आ जाएगी इंशाल्लाह। जी तुम्हारा भाई नजाकत अली ने तो हमको अस्पतालों के इमरजेंसी में जलील करवा दिया। कुछ पता चला जिया के बारे में? ओए अल्लाह, अगर ऐसी सिचुएशन में भी खालियत वापस आता तो हम तुमको बताए, हमारा तो अपना दिल कर रहा था कि हम किसी अस्पताल के इमरजेंसी में लेट जाओ। बस भी करें जलाल, वो कौन सा खुशी खुशी आपको अस्पतालों के चक्कर लगवा रहा था? हमारा बात मानो मासूमा, ये कुछ और चक्कर है। कैसा चक्कर? ये जिया का किसी के साथ लपड़ा पिट हो गया है, हमको लगता है वो उसी के चक्कर में कहीं और भागा है। कुछ पता चला? नहीं, वो जलाल भाई गाड़ी की चाबी मांग रहे हैं नजाकत। ये गाड़ी का चाबी? शर्म नहीं आती घर की बच्चों के बारे में ऐसे बात करते हैं? हमारा दिमाग तो यही कह रहा। पहली बार पता लगा है कि आपके पास भी दिमाग है। मैं जा रही हूँ बीजान के कमरे में। जो जो वो जल्दी नहीं आना। अच्छा जल्दी नहीं आना, इधर तो कोई बंदा दिल का बात ही नहीं कर सकता। स्पीकर फोन पे लेना, स्पीकर फोन। ये तो गया जी जी, ये तो गया। हेलो उमा बेटा, इसकी शामत नहीं। मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पर सिग्नल प्रॉब्लम है। कहें बकवास कर रही है। आई थी अभी तक घर नहीं पहुंची, आपके साथ ही है ना? कल अरसल के साथ ही तो गई थी, आप पूछे ना उससे। अरसल? अरसल? हेलो, ये कुछ तो कर रहे हैं ये लड़कियों ने। लड़कियों का गेम है ये, लड़कियों का गेम है। लेकिन अरसल तो कह रहा था कि वो पहले ही जा चुके। वो असल में हमारी लड़ाई हो गई थी। तो जिया कहाँ गई? उसको मैं सड़क पे छोड़ा था। वो कितना खुश हो रहा है जलाल। बेहरत इंसान, घर की बच्ची को तो सड़क पे छोड़ा है। लाना दे तेरी मर्दान की। अरे अल्लाह जी, इसको 3-4 और लगाना चाहिए था।
ठप्पूस का औलाद। कुछ नहीं, उसका कुछ गेम होगा, ये कुछ तो गेम होगा उसका। किसका नथन फंस गया मैं। बेगैरत। जलाल शाही खानदान का है नवाब, किस खानदान में फंस गया मैं। कहां गई यार जिया? मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी अरसल। गॉड से क्या शरीक, बस कर दो तू। तुझे आइडिया भी नहीं है कितनी घटिया हरकत की है तूने। तो क्या करूं, फांसी पर चढ़ा दो सब मिलकर मुझे। हाँ काम तो कुछ ऐसा ही किया तूने। वो मैंने कुछ नहीं किया यार, वो लड़ी है, वो बाइक से उतरी है और तुम उसे वहीं पे छोड़ के आ गए। तो क्या करता, हाथ जोड़ता, मिन्नतें करता उसकी? कुछ ना करता तू, लेकिन सिर्फ इतना सोच लेता कि अगर खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। कुछ नहीं होता उस फन्ने खान को, ठीक है वो सही है। तो इतनी देर से उसका नंबर क्यों ऑफ है, कहाँ गई है वो? बैठी होगी अपने किसी दोस्त के घर, पता ना उसे, सब मिलकर मेरी धुलाई कर रहे हैं। कम ऑन यार अरसल, जितनी भी डफर हो जाए वो, लेकिन इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स को इस तरह परेशान करेगी। तो कहना क्या चाहता है आशरी? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया ना तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू होगा। कोई भी तुझे अंदर माफ नहीं करेगा, यहां तक कि तुम अपने आप को माफ नहीं कर सकोगे। जमशेद अंकल, पुलिस में रिपोर्ट करवाई आपने? हाँ। कोई अपडेट मिली? पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ दर दर की ठोकरें खा रही होगी। बसर रखो नजाकत, मिल जाएगी जया। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं। नहीं बात तो सही है, इस सिचुएशन में आदमी यही बोल सकता है। हाय अल्लाह, बेड़ा तर जाए, प्यो प्यो के मार रही है वो नीमा जो है, दिल सड़ के सुआ हो गया मेरा। मेरा तो दिल चाह रहा है ऐसे लिटा के 100 जूतियां लगाऊं और गिनूं एक। सल्लू मुझे सच सच बता, किधर छोड़ के आया है विचकार सड़क के उस कुड़ी को? अबे मार तो नहीं दिया उसे कहीं? अरे यार अब इतना भी कसाई नहीं हूं मैं अब्बा। अबे हरकत तो तूने कसाईयों वाली की है, दिल तो तेरा जरा सा कांपा नहीं होगा उस मासूम के साथ ऐसा करते हुए? और पता है कि उस मासूम की सहेली उमा क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? कि ऐसे लड़के से विवाह करेंगे अपनी कुड़ी का जो लड़की को कहीं भी सड़क पे छोड़ के आ जाता है। अम्मा वो तो एक नंबर की फसादन है, उसे छोड़े आप। और तू क्या बेगैरत है, घर की बच्चियों को मोहल्ले और सड़कों पे छोड़ के आने वाला खबीस। अच्छा बस कर दो, सारा घर ही जो है हाथ धो के मेरे मुंडे के पीछे पड़ गया, कुत्ते वाली कर रहे हो उसके साथ, बच्चे की जान लेनी है क्या? मेरा तो बस नहीं चल रहा कि इसकी गिच्ची मरोड़ के ना सड़क पे फेंका हूं कहीं। आए सल्लू पुत्र तू जा यहां से, तेरी शक्ल वेख के ना तेरे प्यो का बीपी हाई हो रहा है, जा मेरा शहजादा जाके रह। हज करके आया है ना जो आराम करेगा जाके खबीस। पता नहीं क्या करूं, दीवार पे सर मारूं जाके अपना। हज करके आया वाज एपिक। अभी अरसल की बुराई करेंगे, किंजा उसकी तरफदारी करेगी। अरसल ने बहुत मायूस किया है मुझे जी, अभी तो बाज़ औकात हद ही कर देती है। देखा इतना तो हम भी समझ गए, बरत जात की अपनी रिस्पेक्ट होती है, चाहे जितने ही पर्सनल इश्यूज हो, इस तरह घर छोड़ के कौन जाता है भला? शरी अब उससे मैं इंसान को पता भी तो नहीं होता। अब खुद सोचो उसके इस जज्बाती पन की वजह से कितने लोग डिस्टर्ब हुए हैं, और हमारी तो उससे बात भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं पता कि वो ठीक है या खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। अल्लाह करम करेगा। आप लोगों ने हॉस्पिटल्स चेक किए? हाँ, काफी हद तक। पता नहीं क्यों उसका नंबर भी बंद जा रहा है। हो सकता है वो हमसे बात करने की पोजीशन में ना हो। अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मुझे नहीं पता।
मुझे नहीं पता बेटा कहीं से उसको ढूंढ लेता, मुझे मेरी जिया चाहिए, उसको ढूंढना ढूंढ कर लगता। खुद को संभाले बीजा। अरे कैसे संभालो, संभालने के काबिल छोड़ा कहाँ है इसने, पता नहीं कहाँ छोड़ा है मेरी बच्ची को। बीजान इसी को कही जा रही है, अब उसको भी तो थोड़ी अकल करनी चाहिए थी ना जिया को। ना मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब मेरा ये है कि ये तो लड़का है, लड़के तो जज्बाती होते हैं, वो तो लड़की है ना, उसे तम्बल से काम लेना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, सुन ली तुमने अपनी बीवी की बात? मिसाल सही नहीं थी ना, एग्जांपल बढ़िया नहीं। बीजान ऐसी बात तो मत करे ना, क्या कह रहे हैं? अभी तो बच्ची की रुखसती भी नहीं हुई है, बहू घर में नहीं आई है और छन्नू बेगम छनकने लग गई है। शाहाना बीजान बिल्कुल ठीक कह रही है, मुंह संभाल के बात किया करो। मुझे तो आप लोग ना सारे माफ कर दे, ना खून पंजे लेकर ना मेरे और मेरे पुत्र के पीछे पै गए सारे। अरे 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 क्या हो गया बेटा, ये क्या रो रही है इस तरह? मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी किस्मत खराब थी कि मैं इस घर में भी आके आई थी। नहीं, किस्मत तो हमारी खराब थी कि हम तुम्हें ब्याह के इस घर में ले आए, बच्चे की ठीक से तरबियत ना कर सकी। जमशेद वो किसी एसपी खालिद का फोन आया तो? नहीं तो खैरियत? अच्छा बाहर आओ, तुमसे जरूरी बात कर। बाहर क्यों आए? जो बात है यही खुलकर करो। कुछ तो बहुत गलत होगा। पुसर करने की आदत गई नहीं है तुम्हारी? वो समंदर से किसी बच्ची की डेड बॉडी मिली है। अरे यार ये कहां पे छोड़ दिया? तो यार ऐसे सस्पेंस पे छोड़ दिया ना कि समंदर पे जितना नेगेटिव हो सकता था उतना डार्क लेके गए इस चीज को। अब देखो यार इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि कुछ गलत नहीं हुआ होगा, इतना मुझे लग रहा है। मुझे अभी भी वो सीन याद है, वो चल रही थी और उन्होंने उसका पर्स छीना था और ऐसे खींचा वो सड़क पैसे गिर गई, ठीक है उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जितना ये एक्सट्रीम लेके जा रहे हैं मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन फिर भी जानने में मजा आएगा कि जिया आखिर गई कहाँ, और जब तक वो मिलती है तब तक अरसल का सभी लोग क्या हाल करते हैं और घर की कंडीशन कितनी खराब होगी। ठीक है शायद तो जिया को पता होगा कि अगर मैं नहीं मिली इस चीज से अरसल फंसेगा और पूरे घर का माहौल, शादी, वो सारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। शायद जिया को ऐसा लग रहा होगा, हो सकता है वो इस वजह से कहीं पे छुपी हुई हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज इस चीज की भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, बाय।